Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we are going to start with history for class 12th. Now as we all know that in total there are 3 books for history in class 12th and we are starting with the first book, which is Themes in Indian History Part 1. Now before starting the chapter, I would suggest that take out your NCERTs or NCERT ke saath padho. Take out some highlighters and a pencil. Aur jo bhi cheeze main mark karungi ya highlight karungi, you should also mark them in your own NCERT along with me. Aur uske saath saath main aapko kuch questions bhi dungi from each topic. Aur wo questions kafi important hain aur kafi frequently poochhe jaate hain. बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी एज़ वेल एज़ आपके स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम्स में भी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1, विच इज़ द हरप्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. नाउ सिंस हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो टाइम पीरियड, टाइम लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले वो टाइम पीरियड देखते हैं जिसमें हरप्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. सो ये टाइम पीरियड है 2600 टू 1900 BCE, ठीक है. तो इस टाइम पीरियड में हरप्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. एंड अब ये एक क्वेश्चन आता है दैट हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, बट इस पूरी सिविलाइजेशन में काफ़ी सारी साइट्स हैं, बट वाई हम इसे हरप्पा के नाम से डिनोट करते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड. एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे गिवन है दैट नेम्ड आफ्टर हरप्पा, दिस वॉज द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड एंड द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 BCE. अब हम जो हरप्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, वो है मैच्योर हरप्पन का. बट इस सिविलाइजेशन से पहले और बाद में भी काफ़ी सारे कल्चर्स थे. सो देयर वर लेटर एंड अर्लियर कल्चर्स एज वेल, जिन्हें कहा जाता है अर्ली हरप्पन एंड लेट हरप्पन. तो इन कल्चर से डिस्टिंग्विश करने के लिए द हरप्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हरप्पन कल्चर, ठीक है. अब हम यहाँ पे देखते हैं दैट कल्चर वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द सिविलाइजेशन, राइट. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कल्चर वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि सेम प्लेस से मिलते हैं और वो सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है. सो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर के नाम से डिनोट करते हैं. आगे बढ़ते हैं. ये जो पैराग्राफ है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं अर्ली हरप्पन के बारे में, ऐसे कल्चर जो कि मैच्योर हरप्पन से पहले एग्जिस्ट करते थे. सो दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म एंड सम क्राफ्ट्स. मोर ओवर यहाँ की जो सेटलमेंट्स थी वो काफ़ी स्मॉल होती थी, बहुत बड़ी सेटलमेंट्स नहीं थी, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं थी, देयर वर नो लार्ज बिल्डिंग्स. एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट जो हमारा अर्ली हरप्पन था और जो मैच्योर हरप्पन है, इसके बीच में देयर वॉज अ ब्रेक. सो देयर वॉज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली हरप्पन एंड मैच्योर हरप्पन. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या हिस्टोरियंस हैं वो इसे कैसे नोट करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं दैट जो हरप्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वहाँ पे लार्ज स्केल अबैंडनमेंट और लार्ज स्केल बर्निंग देखी जाती है, जिससे हिस्टोरियंस बोलते हैं दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली हरप्पन एंड द हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, वेरी इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन भी पूछा जाता है अबाउट डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन्स या फिर अबाउट सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ हरप्पन. सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन हियर. अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे डिस्कवर करी डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन पीपल. तो सबसे पहली बात, उनको फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स या सीड्स मिले थे
जिसके थ्रू उन्होंने डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में और ज़्यादा स्टडी करा. सो फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो भी फाइंड्स हैं ग्रेन्स के, सीड्स के, ये आर्कियोबॉटनिस्ट स्टडी करते हैं. अब बात आती है कौन सी ग्रेन्स के फाइंड हरप्पन साइट में डिस्कवर हुए हैं. सो दे आर लेंटिल, चिकपी, वीट, बार्ले एंड सेसमे. अपार्ट फ्रॉम दिस, मिलेट्स सिर्फ और सिर्फ गुजरात की साइट्स में ही मिले हैं और फाइंड्स ऑफ राइस काफ़ी रेयर है, फ्रीक्वेंट फाइंड्स नहीं मिले हैं किसके, राइस के. अब हमने यहाँ प्लांट की और ये ग्रेन्स की बात कर ली, बट वॉट अबाउट एनिमल्स. तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं दैट देयर वर सम एनिमल्स जो कि हरप्पन्स डोमेस्टिकेट करते थे और कुछ ऐसे वाइल्ड स्पीशीज थी जिन्हें वो हंट भी किया करते थे. सो यू कैन सी हियर, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, ये वो डोमेस्टिकेट करते थे. बोर, डियर, घारियाल, ये सब वो हंट करा करते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस, बोन्स ऑफ फिश एंड फोल आर ऑल्सो फाउंड. सो यहाँ पे ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अबाउट सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज. नाउ लेट्स स्टार्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. अब सिंस हमें फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स और सीड्स मिले हैं, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है दैट हरप्पन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे. बट ऐसी कौन सी टेक्निक्स थी, कौन सी टेक्नोलॉजीज थी जिन्हें हरप्पन्स एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे. सबसे पहली बात, बुल. तो हिस्टोरियंस को टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल डिस्कवर करा है और उनसे वो ये बोलते हैं दैट ऑक्सन वॉज नॉन एंड वो ऑक्सन यूज़ करते थे प्लोइंग के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्ले डिस्कवर हुए हैं दो बहुत इम्पॉर्टेंट साइट से जिनका नाम है चोलिस्तान एंड बनावली. वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ 1 marker में भी आ सकते हैं और मैप में भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं ये प्लेसेस. नाउ एविडेंस ऑफ अ प्लोड फील्ड भी मिला है कहाँ पे, कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है. नाउ अगर हम ज़्यादातर हरप्पन साइट्स की लोकेशन देखते हैं तो हम नोट करेंगे दैट ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो एरिड क्लाइमेट में लोकेटेड हैं, रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती है. तो वाटर की अवेलेबिलिटी वो कैसे मैनेज करते थे, इरिगेशन कैसे करते थे. यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है दैट कैनाल्स के थ्रू वो इरिगेट करते थे अपने फील्ड्स को, बिकॉज ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स डिस्कवर हुए हैं. कौन सी साइट से, कहाँ से? सो देयर इज़ अ हरप्पन साइट कॉल्ड शोटुगई इन अफगानिस्तान. अपार्ट फ्रॉम दिस, वेल्स. वेल के थ्रू वो इरिगेशन करते थे एंड धोलावीरा गुजरात में वाटर रिजर्वायर्स हैव बीन फाउंड. सो तीन यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं इरिगेशन या वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड. पहला कैनाल्स के थ्रू, सेकेंड वेल्स के थ्रू और थर्ड होता है वाटर रिजर्वायर्स के थ्रू. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड. अब आते हैं मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 8 marks क्वेश्चन भी बनता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम ये पिक्चर देखेंगे, ये जो यहाँ पे इमेज दी है. यहाँ पे ये सब पूरी मोहनजोदारो की सेटलमेंट है और हम देखते हैं कि जो ये सेटलमेंट है ये 2 parts में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ लोअर टाउन एंड सेकेंड इज़ सिटाडल. ठीक है, लोअर टाउन काफ़ी बड़ा है, सिटाडल काफ़ी छोटा है. तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि सेटलमेंट्स 2 parts में डिवाइडेड थी और ये जो पार्ट्स हैं ये फिज़िकली सेपरेटेड थे बाय अ वॉल. समझ में आया? अब लोअर टाउन जो था इट वॉज लोअर बट लार्जर, जैसे हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सिटाडल. बट सिटाडल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? इट वॉज स्मॉलर, छोटा था, बट इट वॉज हायर. अब ये हायर क्यों था, सिटाडल हायर क्यों बोला गया है? बिकॉज यहाँ पे जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स थी दे वर बिल्ट ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, तो ऐसे वो प्लेटफॉर्म्स पे बनी होती थी एंड इसीलिए सिटाडल काफ़ी हायर था, हाइट पे था एज़ कम्पेयर टू द लोअर टाउन. और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे गिवन है दैट
दो पार्ट में सेटलमेंट डिवाइडेड थी, सिटाडल एंड लोअर टाउन. और सिटाडल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स जो थी दे वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. अपार्ट फ्रॉम दिस दोनों सेटलमेंट फिजिकली सेपरेटेड थ्री थ्रू अ वॉल. नाउ यहाँ पे प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है दैट प्लानिंग को कैसे डिनोट करेंगे कि जो हरप्पन सेटलमेंट थी मोहनजोदारो था काफ़ी प्लान्ड था, इट वाज अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये पॉइंट आता है दैट जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती थी उसके लिए पहले फाउंडेशंस बनाई जाती थी, प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे. और जब वो प्लेटफॉर्म्स बन जाते थे सो जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती थी वो उन प्लेटफॉर्म्स पर ही लोकेटेड होती थी, उन पर ही लिमिटेड होती थी. ठीक है, सो इससे हम क्या बोल सकते हैं दैट जो पूरी सेटलमेंट है पहले वो अच्छे से प्लान करी जाती थी और फिर एग्जीक्यूट करी जाती थी, इम्प्लीमेंट करी जाती थी. अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो ब्रिक्स मिली है हरप्पन साइट से वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की हैं, उनका मेजरमेंट सेम है. सो ब्रिक्स वेदर सन ड्राइड और बेक्ड दे वर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो एंड ये ब्रिक्स जो थी दे वर यूज्ड एट ऑल हरप्पन सेटलमेंट्स. सो ये एक और पार्ट है जो कि प्लानिंग डिनोट करता है. अनदर थिंग, थर्ड पॉइंट है ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी वेल प्लान्ड और वेल मैनेज्ड था. तो ड्रेनेज सिस्टम को कैसे उन्होंने प्लान किया, सबसे पहले वो क्या करते थे, जो रोड्स और स्ट्रीट्स थी अलॉन्ग विद ड्रेन्स वो पहले वो कंस्ट्रक्ट करते थे अलॉन्ग अ अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में. मतलब जो भी रोड्स स्ट्रीट्स थी वो एक अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में थी, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी. इट सीन्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स ये पहले वो कंस्ट्रक्ट करते थे एंड देन हाउसेस वो बिल्ट अलोंग देम, फिर हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करा जाता था. अब होता क्या है दैट अगर डोमेस्टिक वाटर को फ्लो करना है स्ट्रीट ड्रेन्स में सो जितने भी हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं दे शुड हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट. ठीक है, सो यहाँ से पता लगता है दैट कितनी वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर था मोहनजोदारो और काफ़ी सारी जो हरप्पन साइट्स हैं. नाउ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है लोअर टाउन में, बिकॉज जो सिटाडल में ज़्यादातर बिल्डिंग्स थीं वो पब्लिक पर्पस के लिए होती थी. तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं लोअर टाउन में. सबसे पहली बात, कोर्ट यार्ड वॉज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़. कैसी एक्टिविटीज़, कुकिंग, वीविंग, पर्टिकुलरली हॉट एंड ड्राई वेदर में कोर्टयार्ड में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती थी. और कोर्टयार्ड वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द हाउस और उसके आस पास रूम्स जो थे वो बिल्ड करे जाते थे. नाउ यहाँ पे प्राइवेसी का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया. कैसे, जो भी ग्राउंड लेवल पे रूम्स होते थे उनमें विंडोज़ नहीं होती थी. सो पहला पॉइंट कि प्राइवेसी कैसे मेंटेन करते थे, ग्राउंड लेवल पे जितने भी रूम्स थे उनमें विंडोज़ नहीं होती थी. अनदर थिंग, जो घर की जो हाउस की जो मेन एंट्रेंस थी वो डायरेक्ट कोर्टयार्ड का व्यू नहीं देती थी. अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम विथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड ब्रिक्स एंड स्टेयरकेस भी डिस्कवर करी गई हैं हरप्पन साइट से. एंड मैनी हाउसेज हैड वेल्स और ये जो वेल्स थी ये ऐसे रूम में लोकेटेड होती थी कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी एक्सेस रहता था वाटर का. और अगर नंबर ऑफ वेल्स देखते हैं जो मोहनजोदारो में डिस्कवर हुई हैं दे आर अबाउट 700. समझ में आया? तो ये था हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर. ये सारी चीज़ें प्लानिंग डिनोट करती हैं कि जो पूरी सेटलमेंट थी मोहनजोदारो की वो काफ़ी वेल प्लान्ड थी. आगे आते हैं सिटाडल पे. अब जैसा हमने ऑलरेडी बात करी कि सिटाडल में जो बिल्डिंग्स थी वो पब्लिक पर्पसेस के लिए थी, जैसे इसमें वेयर हाउस आता था और ग्रेट बाथ आता था. इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ग्रेट बाथ, सो लेट्स डिस्कस. ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स. सो क्लियर है, एक रेक्टेंगुलर टैंक काइंड ऑफ होता था जिसे ग्रेट बाथ बोला जाता था.
there were two flights of steps on north and south leading to the tanks, and there were rooms on three sides. तो तीन sides पे room होते थे, in one of which there was a large well. ठीक है, तीन sides पे room होते थे, एक में there was a large well. और अगर drainage की बात करते हैं, again जो water था tank में, it flowed into a huge drain. तो well managed drainage system भी बनाया गया था. Now वहाँ पे there was a building in which there were 8 bathrooms, 4 on each side of a corridor. So well managed, पूरा सेटलमेंट थी, पूरी प्लानिंग थी. अब अगर इसकी यूनिकनेस की बात करते हैं, ग्रेट बाथ की यूनिकनेस, तो यहाँ पे स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं दैट ये जो स्ट्रक्चर है, इट वॉज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोहनजोदारो. बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे पॉइंट में बुक में ही मार्क कर लो ताकि वो ईजीली याद हो जाए. नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. अब ये जो टॉपिक है, इसमें से काफ़ी फ्रीक्वेंटली 3 marks का क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस्ड सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन द हरप्पन सोसाइटी. ठीक है, सो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है अबाउट बरियल्स. तो बरियल से कैसे आर्कियोलॉजिस्ट सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को ट्रेस करा करते थे. सो बेसिकली एट बरियल्स इन हरप्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स. ऑलराइट, सो देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट वॉज मेड. ठीक है, सो जिस तरह से ये बरियल पिट बनाई जाती थी, इनमें डिफरेंसेस हुआ करते थे. अब कैसे डिफरेंसेस होते थे, अब कुछ जो पिट्स होती थी दे वर लाइंड विद ब्रिक्स, और कुछ जो पिट्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी पिट्स होती थी. ठीक है, सो ये जो डिफरेंसेस था, इसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस करते थे सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन द हरप्पन सोसाइटी. गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट आता है गूड्स के बारे में, ऑब्जेक्ट से वो इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता लगाते थे. यहाँ पे वो किस तरह से ट्रेस करते थे डिफरेंसेस. सबसे पहली चीज़ है यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज, दैट ऑब्जेक्ट्स उन्हें दो तरह के बेसिकली मिलते थे, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज. यूटिलिटेरियन ऑब्वियसली ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे वो जो डेली यूज़ में यूज़ हुआ करते थे, एंड ये काफ़ी ईजीली बन जाते थे, ईजी टेक्निक्स के थ्रू बनाया जाता था, और ऑर्डिनरी मटीरियल से बनाए जाते थे. मोर ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये थी दैट दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सेटलमेंट. बट अगर लग्जरीज की बात करते हैं तो काफ़ी रेयर मटीरियल से बनते थे, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज से बनते थे. ठीक है, एंड ये जो ऐसे लग्जरी ऑब्जेक्ट्स थे ये सब जगह सारी सेटलमेंट्स में नहीं मिलते थे. कुछ ऐसी बड़ी सेटलमेंट्स होती थी जहाँ ये उन पर्टिकुलर सेटलमेंट्स में ही ये ऐसे लग्जरी ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर हुए हैं. ठीक है, सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ऑफ सर्च आर्टिफैक्ट्स, तो वी फाइंड दैट जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर मेड ऑफ वैल्यूएबल मटीरियल्स, दे आर कंसनट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट. जैसे हरप्पा, मोहनजोदारो, ये काफ़ी बड़ी सेटलमेंट्स थी, तो यहाँ पे रेयर ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर हुए हैं. बट जो कि काफ़ी यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स हैं, डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑर्डिनरी मटीरियल से बने हैं, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट. समझ में आया? और ऐसी छोटी छोटी सेटलमेंट्स कैसी होती थी, जैसे कालीबंगन है, तो दिस वॉज अ स्मॉल सेटलमेंट. नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. तो देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, और यहाँ पे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट आती है, सॉरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट आती है, दैट इज़ चान्होदारो. ये एक ऐसी साइट है विच वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टुवर्ड्स द क्राफ्ट प्रोडक्शन. किस तरह की एक्टिविटीज़ क्राफ्ट प्रोडक्शन में आती थी, जैसे कि इसमें बीड मेकिंग आती है, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सब क्राफ्ट प्रोडक्शन में इंक्लूडेड होती हैं. अब हम बात करते हैं बीड मेकिंग की.
तो कौन से मटेरियल्स यूज़ होते थे बीड्स को बनाने में? सबसे पहले स्टोन्स की बात करते हैं, कार्नेलियन, जैस्पर, ये सब तरह के जो स्टोन्स हैं वो यूज़ करा करते थे बीड्स बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बीड्स की शेप्स थी वो भी अलग अलग तरह की थी। यहाँ पे नाम दे रखे हैं, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल शेप एंड ऑल दीज थिंग्स। और कुछ ऐसे बीड्स थे जो कि काफ़ी डिज़ाइनर बीड्स बनाते थे, दे वर डेकोरेटेड और दे हैड सम डिज़ाइंस एच्ड ऑन टू देम। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं टेक्निक्स पे। तो जो बीड मेकिंग की टेक्निक्स थी वो भी अलग अलग थी और ये डिफ़र करती थी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। ठीक है, जैसा मटेरियल है उसी तरह की वो टेक्निक यूज़ करते थे बीड मेकिंग के लिए। अब यहाँ देखिए, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड, कहाँ पे डिस्कवर हुई हैं? फ्रॉम थ्री साइट्स, तीन बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, चान्हुदारो, लोथल एंड धोलावीरा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस दो साइट्स और हैं, नागेश्वर एंड बालाकोट। ये ऐसी सेटलमेंट हैं जो कि कोस्ट के पास हैं। तो यहाँ पे कोस्ट के पास होने से क्या फ़ायदा होता है? दे वर स्पेशलाइज सेंटर्स ऑफ मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज शेल बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं कोस्टल एरियाज में। तो दो ऐसी सेटलमेंट जो कि शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए फेमस थी, नागेश्वर एंड बालाकोट। इन्हें अगर हम मैप पे भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये जो कोस्ट हैं उनके काफ़ी पास में लोकेटेड हैं। समझ में आया? अब देखो, यहाँ पे हमने बात करी कि शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी फेमस थी, इंक्लूडिंग यहाँ पे बैंगल्स, लैडल्स एंड इनले। ये जो ऑब्जेक्ट्स थे जो कि नागेश्वर बालाकोट ऐसी सेटलमेंट्स में, ऐसी साइट्स में प्रोड्यूस होते थे, दे वर टेकन टू अदर सेटलमेंट। कैसी सेटलमेंट? जैसे कि मोहनजोदारो, हरप्पा, ये लार्ज अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे। तो यहाँ से जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट्स थी, यहाँ से ये सब चीज़ें जो लार्ज सेटलमेंट्स थी मोहनजोदारो और हरप्पा जैसी, यहाँ पे ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती थी। नाउ आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या हिस्टोरियंस हैं वो कैसे पता लगाते थे दैट ये जो साइट है, दिस वॉज अ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस होती थी? तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था मतलब वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स उन्होंने डिस्कवर करे हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल डिस्कवर करा है। सो इन सब चीज़ों से वो पता लगाते थे दैट ये जो साइट है ये एक क्राफ्ट प्रोडक्शन की सेंटर, क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट हुआ करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स। अब काफ़ी बड़ा ये हरप्पन सेटलमेंट, हरप्पन सिविलाइजेशन थी, तो हर जगह, हर साइट पे सब तरह के रॉ मटेरियल्स तो अवेलेबल नहीं हो सकते थे। तो वो किस तरह से रॉ मटेरियल्स को प्रोक्यूर करती थी, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दैट वॉट वर द स्ट्रैटेजीज यूज बाय हरप्पन्स टू प्रोक्यूर मटीरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे इस्टैब्लिशिंग सेटलमेंट्स। तो वो क्या करते थे, जो भी ऐसी उन्हें लोकेशन दिखती थी कि जहाँ पे ईजीली जो रॉ मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, वो वहाँ पे सेटलमेंट्स इस्टैब्लिश कर लेते थे। जैसे कि नागेश्वर एंड बालाकोट, हमने अभी बात करी दैट शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। समझ में आया? अपार्ट फ्रॉम दिस, शॉटुगई अफगानिस्तान, ये हमने अभी पहले भी पढ़ा, जहाँ पे ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले हैं। सो यहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट इस्टैब्लिश करी। क्यों इस्टैब्लिश करी? बिकॉज काफ़ी हाई वैल्यूड एक ब्लू स्टोन हुआ करता था, लैपिस लाजुली, ये बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता था। नाउ लोथल, जो कि काफ़ी पास है, विच वॉज नियर द सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन, स्टीएटाइट एंड मेटल। सो ये ऐसी तीन जगह हमने देखी, नागेश्वर बालाकोट, शॉटुगई इन अफगानिस्तान एंड लोथल। ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो ये डिनोट करते हैं कि हरप्पन्स ऐसी जगह सेटलमेंट्स इस्टैब्लिश करते थे जहाँ पे रॉ मटेरियल्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल होते थे। नाउ
अनदर स्ट्रैटेजी, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे सेंडिंग एक्सपेडिशंस। तो फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटीरियल्स हरप्पन्स यूज टू सेंड एक्सपेडिशंस टू सच एरियाज, फॉर एग्जाम्पल खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, यहाँ पे कॉपर के लिए है ना, क्योंकि कॉपर ईजिली अवेलेबल हो जाती थी। एंड साउथ इंडिया में क्यों, गोल्ड के लिए। सो ये जो एक्सपेडिशंस होते थे ना, ये काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश कर देते थे लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, समझ में आया। तो उन्हें काफ़ी ईजिली रॉ मटीरियल्स अवेलेबल हो जाते थे, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, दैट आप किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो थी, उनके जो डिस्टेंट लैंड्स थे, जो और कंट्रीज़ और सेटलमेंट्स थी, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स थे। सबसे पहला आता है ओमन का एग्जाम्पल। सो हम ये बोल सकते हैं दैट जो कॉपर आती थी हरप्पन सिविलाइजेशन में, वो ज़्यादातर ओमन से आती थी। बिकॉज़ अगर हम ओमानी कॉपर को देखें, ओमानी कॉपर को स्टडी करें, और अगर हरप्पन आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, तो दोनों में ही हमें ट्रेसेस ऑफ निकल मिलते हैं। सो ये डिनोट करता है कि जो इनकी एक जगह है जहाँ से ये प्रोड्यूस हुई हैं, जहाँ से ये प्रोक्यूर हुई हैं, वो सेम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, अ लार्ज हरप्पन जार विच वॉज कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, ये हमें ओमानी साइट्स में डिस्कवर हुई हैं। तो ये डिनोट करता है कि यस, कॉन्टैक्ट्स थे। अब आगे आते हैं मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स, डेटेबल टू द 3rd millennium BCE, रिफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगान, परहैप्स अ नेम फॉर ओमान। सो मेसोपोटामियन टेक्स्ट भी ये डिनोट करते हैं दैट जो कॉपर थी वो मगान, जो एक नाम है ओमन के लिए, वहाँ से आती थी। और ज़्यादातर कॉपर अगर हम देखते हैं, सो इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स में भी, वहाँ पे भी ट्रेसेस ऑफ निकल मिले हैं, ठीक है। सो ओरिजिन अगर हम देखें तो इस कॉपर की सेम है, मतलब कॉन्टैक्ट्स थे ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट थे, सील्स के थ्रू। सील्स काफ़ी यूज़ होती थी कॉन्टैक्ट्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेट्स, डाइस एंड बीड्स। सो इनसे डिनोट कर सकते हैं दैट हरप्पन्स जो थे, दे हैड कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। नाउ मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन्स नेम्ड दिलमन, विच इज़ प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरीन, मगान एंड मेलोहा, पॉसिबली द हरप्पन रीजन। सो मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन करते हैं कॉन्टैक्ट विद सच रीजन्स। अब अनदर थिंग यहाँ पे देखिए, मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलोहा एज अ लैंड ऑफ सी फारर्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी सील्स पे हमें डिपिक्शंस मिलती हैं शिप्स और बोट्स की, गॉट इट। सो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि इस पूरे पैराग्राफ को पॉइंट्स में डिवाइड कर लो, ताकि ईजिली माइंड में ये बैठ जाए, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। सील्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो हमारा पैराग्राफ 1 है इस चैप्टर का। वहाँ पे ये भी बताया है दैट जो हरप्पन सील है, इट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड सील वॉज मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टीएटाइट, एंड जो सील्स थी उन पे हमें ज़्यादातर एनिमल मोटिव्स देखने को मिलते थे, ठीक है। काफ़ी सारे साइंस थे और एनिमल मोटिव्स वहाँ पे होते थे, समझ में आया। बट जो स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है इन सील्स पे, साइंस जो है ये अनडेसिफाइड है, मतलब हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट इन्हें अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अब आते हैं सील्स वो यूज़ कहाँ पे करते थे। सो हेयर इट इज़, सील्स एंड सीलिंग्स दे वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस
कम्युनिकेशन के लिए सील्स काफ़ी वो यूज़ करते थे. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दैट सील के थ्रू आइडेंटिटी जो होती थी सेंडर की वो कन्वे हो जाती थी ईजीली. इसके अलावा सील कन्वे करती थी नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर. और जो हमें काफ़ी सारे मोटिव्स दिखते हैं ना सील्स पे, वो क्या करते थे, वो ऐसे लोगों को मीनिंग कन्वे करते थे जो कि रीड नहीं कर सकते थे. ठीक है, अब आगे आते हैं, इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, स्क्रिप्ट की बात करते हैं. सो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग 26 साइंस. बट ये जो स्क्रिप्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन की, इट इज़ अनडिसिफर्ड, जैसे हमने अभी देखा कि ये अभी तक समझ नहीं पाए हैं. और ये जो स्क्रिप्ट थी इसमें अल्फाबेट्स नहीं होते थे, इट वॉज़ नॉट अल्फाबेटिकल. बट काफ़ी सारे साइंस थे, अबाउट 375 टू 400 साइंस थे हरप्पन स्क्रिप्ट में. और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट हरप्पन स्क्रिप्ट क्या होती थी, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी. हम नॉर्मली क्या करते हैं, सॉरी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, हम नॉर्मली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं. ऐसा जो हिस्टोरियन से वो कैसे इंडिकेट कर पाए, बिकॉज जो लेफ्ट वाली साइड होती थी वहाँ पे क्रैम्पिंग होती थी, है ना, वाइडर स्पेसिंग था राइट पे, बट जो लेफ्ट था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रैम्पिंग देखने को मिलती थी. ठीक है, अब यहाँ पे है वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड. तो सील्स पे, कॉपर टूल्स पे, रिम्स ऑफ जार, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रॉड्स एंड एंशिएंट साइन बोर्ड. सो इन सब चीज़ों पे इंस्क्रिप्शंस या स्क्रिप्ट देखने को मिलती है. अब बात करते हैं वेट्स पे. सो एक्सचेंजेस जो होते थे, यू नो, सामान का जो लेन देन होता था, इट वॉज रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स विच वॉज यूजअली मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड दे वो जनरली क्यूबिकल, जिसपे कोई मार्किंग नहीं होती थी. ठीक है, प्लेन होते थे, वो मार्किंग्स नहीं होती थी, देयर वर नो मार्किंग्स. नाउ नेक्स्ट इज एंशिएंट अथॉरिटी. अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की अथॉरिटी के बारे में इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या आता है दैट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ना, उनके काफ़ी सारे ओपिनियंस हैं. सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हरप्पा. जो हरप्पन सोसाइटी थी, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि वहाँ पे कोई रूलर नहीं होता था, एवरीबडी वॉज इक्वल. ठीक है, कोई भी एक गवर्नमेंट नहीं थी, एक रूलर नहीं था. और कुछ बोलते हैं दैट कोई सिंगल रूलर नहीं था, काफ़ी सारे रूलर थे, मतलब जितनी भी अलग अलग सेटलमेंट्स थी उनके सेपरेट सेपरेट रूलर्स हुआ करते थे. जैसे मोहनजोदारो का सेपरेट रूलर है, हरप्पा का अलग रूलर है. ठीक है, और कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि एक सिंगल स्टेट होता था, एक सिंगल रूलर होता था पूरी सिविलाइजेशन का, पूरी सेटलमेंट का. ये वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज काफ़ी सारे साइंस हमें मिले हैं ऑफ प्लानिंग, जिसमें से एक ब्रिक साइज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थ्रू आउट द सेटलमेंट सेम ही स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की ब्रिक्स यूज़ करी जाती थी. अपार्ट फ्रॉम दिस, वो ऐसी सेटलमेंट्स में ऐसी जगह पे सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश करते थे जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता था, है ना. सो इसीलिए फॉर नाउ जो लास्ट वाली थ्योरी है कि एक सिंगल रूलर है, वो अभी तक सबसे ज़्यादा राइट मानी जाती है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल मानी जाती है. अब आते हैं एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. हमने देखा कि 1900 तक ये सिविलाइजेशन थी हरप्पन सिविलाइजेशन. सो देयर इज एविडेंस दैट 1800 BCE तक ज़्यादातर जो मैच्योर हरप्पन की साइट्स थी, जैसे कि चोलिस्तान, ये अबैंडन हो गई थी. ठीक है, और जो और न्यू सेटलमेंट्स यहाँ पे ग्रो हो रही थी, वहाँ पे एक्सपांशन ऑफ पॉपुलेशन हो रहा था, जैसे कि गुजरात है, हरियाणा है या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे अब सेटलमेंट्स बन रही थी, पॉपुलेशन यहाँ पे एक्सपांड हो रही थी. अब कुछ ऐसी हरप्पन साइट्स थी दैट कंटिन्यूड टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900, बट यहाँ पे भी जो हरप्पन कल्चर था वो वैसा नहीं था जैसे 1900 से पहले का था. जो मटेरियल कल्चर था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था,
ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कैसे डिनोट करते हैं, दैट सबसे पहले जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन के, वो डिसअपियर हो रहे थे, जिसमें हमारे सील्स आते हैं, वेट्स आते हैं, बीड्स आते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस राइटिंग, जो ऐसे हमने अभी स्क्रिप्ट की बात करी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जिसमें सील्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी, और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये सब भी डिसअपियर हो रहा था. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी वो डिटीरियोरेट हो रही थी. जैसा हमने देखा लोअर टाउन जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी, वहाँ पे कितनी ज़्यादा प्लानिंग थी, है ना, प्राइवेसी मेंटेन करते थे वो, वेल्स होती थी हर घर की, अपना दे हैड अ सेपरेट बाथरूम. तो ऐसे जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी ये डिटीरियोरेट हो रही थी, डिग्रेड हो रही थी. समझ में आया? सो इस तरह से हम बोल सकते हैं दैट 1900 के बाद अगर कुछ हरप्पन साइट्स स्टिल वहाँ पे सेटलमेंट थी, बट जो कल्चर था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था. अब व्हाट आर द एक्सप्लेनेशन जो दिए जाते हैं फॉर द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन? यहाँ बोला जाता है कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन थी, एक्सेसिव फ्लड्स थे, रिवर्स ड्राई हो रही थी, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप था. बट अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें तो ये यहाँ से पता चलता है कि ये जो कॉजेज हैं ये सिर्फ रीज़न नहीं हो सकते पूरी सेटलमेंट के अबैंडनमेंट के लिए. सो इट अपीयर्स दैट अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड एलिमेंट, परहैप्स द हरप्पन स्टेट केम टू एन एंड. समझ में आया? सो यहाँ पे हमें कुछ रीज़न दे रखे हैं जो कि दिए जाते हैं फॉर द अबैंडनमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, बट ये भी आर्ग्यूमेंट दी जाती है दैट ये नहीं एक्सप्लेन करते हैं कि पूरी एंटायर सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई सिर्फ इन रीजंस की वजह से. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन. यहाँ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कनिंघम के ऊपर. यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है दैट हाउ कनिंघम मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हरप्पा. तो ये क्वेश्चन हम आगे अभी समझते हैं, बट लेट्स स्टार्ट. सो जो कनिंघम था, हिज फुल नेम वॉज एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, ये जो थे, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI. समझ में आया? एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है. ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, एंड वन मार्क क्वेश्चन में MCQ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Now, he began archaeological excavations in the mid-19th century में इन्होंने start करी, और इन्होंने ज़्यादातर prefer करे जो written word थे, मतलब texts और inscriptions को. तो Cunningham का जो main interest था वो था early historic, जो कि 6th century BCE to 4th century CE तक का period था, and later periods. तो उन्होंने अपनी excavation के लिए जो Chinese Buddhist pilgrims थे, जो कि 4th and 7th century CE में आए थे इंडिया, उनके जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स थे उनको रेफर किया एक्सकवेशन के लिए, अपनी डिस्कवरी के लिए. आगे बढ़ते हैं. अब क्या था, जो हरप्पा साइट थी इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द इटिनररी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स. जिनके डॉक्यूमेंट्स, जिनकी जो एक्सकवेशंस थी वो कनिंघम यूज़ कर रहे थे. सो हरप्पा वॉज नॉट पार्ट ऑफ देयर एक्सकवेशन, ऑफ देयर डिस्कवरी. सो इसी वजह से जो भी हरप्पा से रिलेटेड चीज़ें थी या हरप्पन सिविलाइजेशन थी, इट डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ कनिंघम, ठीक है. अब ऐसा नहीं था कि हरप्पन आर्टिफैक्ट्स कनिंघम को मिले नहीं, उनको मिले, काफ़ी सारे हरप्पन आर्टिफैक्ट्स उन्होंने डिस्कवर करे, बट वो उन्होंने क्या करा, जो कनिंघम थे ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर, क्योंकि वो गलत टाइम फ्रेम में उनको प्लेस कर रहे थे. अब एक इंग्लिश मैन थे, उन्होंने हरप्पन सील दी कनिंघम को, बट अगेन ही ट्राई टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम जिससे वो फेमिलियर थे, ठीक है. तो उन्होंने जो हरप्पा की सिग्निफिकेंस है वो मिस कर दी, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं दैट जो इंडियन हिस्ट्री है इट बिगिन विद द फर्स्ट सिटीज़ इन द गंगा वैली. सो गंगा वैली से ही जो इंडियन हिस्ट्री है वो वहाँ से स्टार्ट हुई,
तो यहीं पे ये क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा की सिग्निफिकेंस कैसे कनिंगम ने मिस करी. सो दिस इज द आंसर. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. सील्स अगेन. सब्सिक्वेंटली सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय दयाराम साहनी. और जो सील्स जो मोहनजोदारो में डिस्कवर करी हैं वो रखाल दास बैनर्जी ने डिस्कवर करी. अब आते हैं. इन 1924 जॉन मार्शल द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI ही अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सेटलमेंट इन द इंडस वैली. ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस करा दैट दिस इज अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली. ये कभी एग्जिस्ट करती थी. समझ में आया? तो ये उन्होंने किस तरह से अनाउंस करा, बिकॉज जो जितनी भी आर्टिफैक्ट्स थी वो वेरी सिमिलर विच वो फाउंड एट एक्सकवेशंस एट मेसोपोटेमियन साइट्स, जैसे कि सील्स. ठीक है, दिस वॉज बिकॉज ऐसी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर सील्स देवर फाउंड एट मेसोपोटेमियन साइट्स एज वेल. बट हुआ क्या दैट जब मार्शल एक्सकवेट करते थे, सो मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स. मतलब उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट वो इग्नोर करी. ये स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है? लुक एट दीज. अब देखो, जनरली जो लोवेस्ट लेयर्स होती हैं वो ओल्डेस्ट होती हैं, और जो हाईएस्ट लेयर होती हैं, मतलब जो लैंड की लेयर्स की बात हो रही है, वो जो होती है वो मोस्ट रिसेंट होती है. तो इन लेयर्स की स्टडी को स्ट्रैटिग्राफी डिनोट किया गया है. स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं. सो जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलर लेयर में मिलते हैं, उन्हें भी एक कल्चरल पीरियड्स में, स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड्स में असाइन किया जाता है. ठीक है, बट यही जो स्ट्रैटिग्राफी थी, यही जॉन मार्शल ने इग्नोर करी, और इसी की वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स वो मिस कर दिया है. बिकॉज होता क्या था, वो रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में एक्सकवेट करते थे, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिलते थे वो एक ही टाइम पीरियड में उन्हें प्लेस करते थे. और ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी? REM व्हीलर ने, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI अपॉइंटेड हुए इन 1944. सो ये जो प्रॉब्लम थी स्ट्रेटिग्राफी जो इग्नोर की जा रही थी जॉन मार्शल के द्वारा, उन्होंने ये चीज़ को ठीक किया. आगे आते हैं. दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट लेट्स स्टडी. द फ्रंटियर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज. ठीक है, जो आज प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्री है इंडिया की, उससे कनेक्शन नहीं है, बिकॉज हमें पता है पार्टीशन हुआ था हमारे सबकॉन्टिनेंट का. एंड जो क्रिएशन है पाकिस्तान का, द मेजर साइट्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, अब वो पाकिस्तान में है. इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका जो आज हमारी जो इंडियन टेरिटरी की बाउंड्रीज हैं उससे कोई भी लेना देना नहीं है. तो जो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सकवेट करने की कोशिश करी है, डिस्कवर करने की कोशिश करी है हड़प्पन साइट्स इन इंडिया. सो एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ हैज़ रिवील्ड अ नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशंस इन पंजाब एंड हरियाणा हैव एडेड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पन साइट्स. सो कहाँ पे हड़प्पन साइट्स डिस्कवर हुई हैं? कच्छ में, पंजाब और हरियाणा वाली साइट्स, जैसे कि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा, विच इज़ मोस्ट रीसेंट. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफाइंग फाइंस. अगेन यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है दैट हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाई द फाइंस विच वर डिस्कवर्ड. तो वो फाइंस को कैसे क्लासिफिकेशन कैसे करते थे, जो भी ऑब्जेक्ट्स को, जो भी आर्टिफैक्ट्स वो डिस्कवर करते थे. सो लेट्स सी. सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन आता है मटीरियल. मटीरियल की टर्म्स में कि वो कौन सी मटेरियल की चीज़ वो बनी हुई है, सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी, ऑल दीज थिंग्स. सेकंड आता है फंक्शन, कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, व्हाट इज़ द पर्पस. समझ में आया? जैसे एन आर्टिफैक्ट अगर उन्हें मिला है, वो एक टूल है या वो एक ऑर्नामेंट है या फिर वो कुछ ऐसा है जो कि रिचुअल यूज़ में काम आता है. आगे आते हैं थर्ड होता है रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स.
तो आज जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, आज की डेट में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ कुछ रिजेम्बलेंस होती होगी जो वो आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर करते हैं. सो ये थर्ड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है. फोर्थ आता है इनडायरेक्ट एविडेंस. फॉर एग्जाम्पल, दो देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन, कॉटन के ट्रेसेस हमें मिले हैं कुछ हरप्पन साइट्स पे, बट क्लोदिंग के बारे में फाइंड आउट करने के लिए उन्हें काफ़ी स्कल्पचर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, राइट? जो भी डिपिक्शंस दी गई हैं स्कल्पचर में, ताकि वो क्लोदिंग के बारे में पता लगा सकें. सो यहाँ आता है इनडायरेक्ट एविडेंस. आगे आते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. वी हैव सीन दैट फर्स्ट हरप्पन सील दैट वॉज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड टिल आर्कियोलॉजिस्ट हैड अ कंटेक्स्ट इन विच टू प्लेस इट, बोथ इन टर्म्स ऑफ द कल्चरल सीक्वेंस एंड इन विच इट वॉज फाउंड एंड इन टर्म्स ऑफ कंपेरिजन विद फाइंड्स ऑफ मेसोपोटेमिया. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको कोई आर्टिफैक्ट मिल रहा है, यू शुड हैव अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें आप उसे प्लेस कर सकें, चाहे वो कल्चरल सीक्वेंस की टर्म में हो, चाहे वो टाइम फ्रेम की टर्म्स में हो, जैसा हमने कनिंघम के केस में देखा. ठीक है, सो यहाँ पे पूरे 5 पॉइंट्स बनते हैं कि फाइंड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है, दैट व्हाट डिड द सील्स एंड टेराकोटा फिगर्स शो अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, सो सील्स और टेराकोटा फिगर्स जो मिली हैं हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में क्या बताती हैं. सबसे पहला बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस को मिलते थे जो कि उन्हें काफ़ी अनफर्मिलियर या अनयूजुअल लगते थे, वो बोलते थे दैट इनकी कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है. फॉर एग्जाम्पल, टेराकोटा फिगराइंस ऑफ वेमेन मिली हैं जो कि काफ़ी हैवीली ज्वेल्ड हैं और इलाबरेट हेड ड्रेसेस हैं. ठीक है, सो इस तरह की अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, अनयूजुअल फिगर्स जो उन्हें मिलती थी, वो बोलते थे दैट ये कल्चरल रिचुअल सिग्निफिकेंस है और ये रिलीजन से रिलेटेड है. आगे आते हैं, ये ऐसी फिगराइंस जिसकी हमने बात करी, हैवली ज्वेल्ड एंड यू नो हेड ड्रेसेस, इन्हें बोला जाता था मदर गॉडेस. ठीक है, सो यहाँ पे गिवन है, वॉज दिस अ मदर गॉडेस, तो वो रिचुअल सिग्निफिकेंस से उन्हें कनेक्ट करते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस, अ रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर में बैठे हैं, जैसे योगिक पोस्चर भी बोल सकते हैं, जैसे सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी, सच एज द प्रीस्ट किंग. सो इस तरह की कुछ फिगर्स भी उन्हें मिली हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि ग्रेट बाथ के फायर अल्तार्स, दे वर फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल. सो इन्हें भी आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ रिचुअल सिग्निफिकेंस असाइन करा है. समझ में आया? आगे आते हैं सील्स पे. अब अगर हम सील्स एग्जामिन करें तो काफ़ी सारी सील्स कुछ रिचुअल सीन्स को डिनोट करती हैं, रिचुअल सीन्स को डिपिक्ट करती हैं. कुछ ऐसी सील्स हैं जिस पे हमें प्लांट मोटिव मिलते हैं, तो ये इंडिकेट करती हैं नेचर वर्शिप के बारे में. सम एनिमल्स जैसे कि यूनिकॉर्न विच इज़ अ वन हॉर्नड एनिमल डिपिक्टेड ऑन सील्स, इट सीम टू बी मिथिकल कॉम्पोजिट क्रिएचर. ठीक है, सो प्लांट भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं हमें सील्स पे, और ऐसी कुछ सील्स भी हैं जो कि रिचुअल सीन्स डिपिक्ट करती हैं. आगे आते हैं प्रोटो शिवा. सो इन सम सील्स अ फिगर शोन सीटेड क्रॉस्ड लेग इन अ योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय एनिमल्स, इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ डिपिक्शन ऑफ प्रोटो शिवा. सो दिस इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ द मेजर डेटी ऑफ हिंदुइज्म. ठीक है, और यहीं पे कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड जिन्हें हम लिंग के नाम से डिनोट करते हैं, शिवलिंग, राइट? सो दिस इज द इमेज ऑफ प्रोटो शिवा सील. यहाँ हम देख सकते हैं योगिक पोस्चर है एंड सराउंडेड बाय एनिमल्स. अ लिंग इज अ पॉलिश्ड स्टोन दैट इज वर्शिप्ड एज अ सिंबल ऑफ शिवा, एज वी वर्शिप शिवलिंग, राइट? सो दैट इज अ सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा.
समझ में आया? सो दिस वॉज आर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर नंबर 1 ऑफ दिस बुक. एंड आई होप दैट जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, वो आपने अपनी बुक में लिखे हैं, ठीक है. एंड आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द अपडेट्स ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.